लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। रविवार को चंपावत में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, हमारी सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है। इस कानून में अपराधियों को उम्र कैद के साथ संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जो अभ्यर्थी नकल में संलिप्त मिलेगा उसे 10 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने से अयोग्य करार दिया जाएगा। सीएम ने कहा, हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। परीक्षाओं की धांधली में शामिल लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया गया है, साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। पटवारी भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फंसे लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी को लेकर कई बातें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु का आयोग के कार्यालय में आना जाना था। माना जा रहा है कि पत्नी की पैसों की भूख को पूरा करने के लिए संजीव ने यह अपराध किया होगा। आयोग में तैनात कर्मी भले ही खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि संजीव की पत्नी तू तेज तर्रार है। पत्नी का आयोग कार्यालय में आना जाना था। पेपर लीक मामले में भी पत्नी के मोबाइल से ही पेपर की फोटो खींची गई। उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन के शिष्टमंडल में रविवार को खटीमा स्थित नगला तराई आवास में जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी एक सूत्रीय मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रजवाल ने संगठन अध्यक्ष गौरव शर्मा के पक्ष में सीएम धामी से निवेदन किया कि रोडवेज के 197 मृतक आश्रित परिवार निगम में स्थायी नियुक्ति से संबंधित अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 6 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। ब्रजवाल ने मुख्यमंत्री धामी से कहा कि आप जल्द ही मृतक आश्रित भर्ती से जुड़ा विषय कैबिनेट की बैठक में रखने की कृपा करें। मुख्यमंत्री धामी ने संगठन के पदाधिकारियों से वादा किया है कि आपकी एक सूत्री मांग को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जिसके लिए तत्काल मुख्यमंत्री धामी ने अपने अनुसचिव सुभाष चंद को निर्देशित भी कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौथिग मेले में परिवार सहित प्रतिभाग किया। उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि भगवान सूर्य हर प्रकार से मंगल करे एवं समस्त प्रदेश में अच्छे काम प्रारंभ हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस मेले में शामिल होता रहा हूं। यह मेला धीरे धीरे भव्य होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हरेला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इस दौरान वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री कैलाश घतोड़ी, श्रीमती गीता धामी, एसएसपी मंजुनाथ, टीसी सहित अन्य सम्मानित जन उपस्थित रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित प्रमुख हंसेश्वर मठ के निकट काली गौरी नदी संगम पर मेला आयोजित किया गया। नदी संगम पर अस्कोट, तित्री, गरखा, जौलजीबी, नेपाल, बगदीहाट सहित दूर दराज से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। गंगा स्नान के बाद गंगा जल से हंसेश्वर मठ श्री मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। केदारनाथ में लगभग 3.5 फीट बर्फ जमा हो चुका है। इस दौरान केदारपुरी में अधिकतम पारा -10 डिग्री सेल्सियस रहा। धाम में बीते बुधवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे पुनर्निर्माण कार्य ठप है। वहीं खराब मौसम के कारण धाम से सभी मजदूर सोनप्रयाग लौट आए। अब धाम में पुलिस व ITBP के जवान के साथ कुछ साधु संत रह गए हैं। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।